दिव्य दृष्टि में लीजिए, एक अनोखा खेल चल रहा है। वो क्या है ना कि दिव्य दृष्टि और पिशाचिनी मिलकर मना रहे हैं न्यू ईयर। आई थिंक इनका रेजोल्यूशन है साथ साथ रहेंगे। बहरहाल यहाँ पर एक दूसरा खेल भी चल रहा है, सब्जी और फल का। आई मीन कैन यू थिंक अबाउट इट, पिशाचिनी जो है लोगों को कभी संतरा, कभी आलू, कभी कुछ बना रही है। अरे भैया प्याज बना दो, वैसे ही महंगाई बहुत ज्यादा है, सस्ते में मिल जाएंगे। दिव्य और दृष्टि के घर मनाई जा रही है न्यू ईयर पार्टी। सब यहाँ डांस भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से चिंता में हैं। वहीं अचानक पिशाचिनी के हाथ में आ गया है संतरा, जिसे छीनने की दृष्टि कोशिश कर रही है। दरअसल पिशाचिनी के हाथ में ये जो संतरा दिख रहा है ना, वो संतरा नहीं, वो दिव्य और दृष्टि के घर का कोई एक सदस्य है। जी हाँ, पिशाचिनी ने अपने जादू से दिव्य और दृष्टि के परिवार वालों को फल और सब्जी में तब्दील कर दिया है। बेचारी सिमरन टमाटर बन चुकी है और ऐश जो है वो संतरा बन चुकी है, और मैं इनको छेड़ रही हूँ कि देखो मेरा काम कर दो, नहीं तो ये टमाटर को खा जाऊंगी मैं और ये संतरा का जूस निकाल लूंगी मैं। तो इनको थोड़ा धमकी दे रही हूँ। इट्स क्वाइट फनी, मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी, एक टमाटर बन गया, एक संतरा बन गया। लोगों को टमाटर बनाने वाले पिशाचिनी आज खुद एक रेड वाइन की बोतल बन गई हैं। न्यू ईयर पार्टी के लिए उसने लाल गाउन पहना है, जिसे लहरा लहरा कर लोगों को दिखाकर वो बहुत खुश हो रही हैं। गाउन है ये डीप मरून वाइन, जो भी आप कलर कहना चाहते हो। और हाँ, शाचिनी के कपड़ों पर तो भाई पूरा ध्यान दिया जाता है और काफ़ी कुछ खर्चा करते हैं ये लोग शाचिनी के कपड़ों पर, मुझे खुश रखते हैं। तो बहुत ही प्रिटी सा गाउन है, और हाँ हालांकि बहुत हैवी है, बहुत ही ऐसे स्विश 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 स्विश, एक्चुअली नीचे पंखा लगाऊंगी तो मैं एक्चुअली उड़ सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। इस न्यू ईयर पार्टी में 12 बजने ही वाला होता है। पिशाचिनी को लगता है कि उसकी जीत होगी, इसलिए वो काउंटडाउन दे रही है। अब बचे सिर्फ 5 मिनट। मगर दिव्या दृष्टि ने 12 बजने से पहले अपने फैमिली मेंबर्स को फल सब्जियों से वापस अपने ओरिजिनल अवतार मिला दिया और पिशाचिनी को मिल गई हार। पिशाचिनी के नए नए खेल ऐसे ही जारी रहेंगे और दिव्या दृष्टि पिशाचिनी के जादू से अपने परिवार को बचाती रहेंगी। मगर फिर भी चूहे बिल्ली का ये खेल कभी खत्म नहीं होगा, ये तो यूं ही चलता रहेगा जब तक जनता चाहेगी। मुंबई से सुमावेद अवस्थी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।